इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने में सरकार की तैयारी पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। डीजल कारों के प्लांट्स पर हजारों करोड़ लगाने के बाद कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर बिना पॉलिसी के सामने आए रकम लगाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब फेम टू स्कीम के सहारे कंपनियों के लिए काफी हद तक सरकार की नीतियां साफ हो गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार की गई फेम टू योजना का फायदा अप्रैल महीने से मिलने लगेगा। इस योजना के तहत करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर 20-20 हजार रुपए की छूट मिलेगी। पूरी तरह इलेक्ट्रिक 35,000 कारों पर 1,50,000 रुपए की छूट मिलेगी। अप्रैल से शुरू हो रही इस योजना के लिए पिछले हफ्ते कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में ये कदम काफी मददगार साबित होगा। इसके ऊपर सरकार एक मैसिव एलोकेशन आने वाले 3 साल के लिए सरकार ने एक मैसिव आउटले रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो स्कीम है या जो ये इनिशिएटिव है, इसका आइडिया क्या है कि जो एमिशंस हैं, धुआं है जो व्हीकल से निकलता है, उसको कम किया जाए और पॉल्यूशन की समस्या को हिंदुस्तान में कम किया जाए। आम चुनावों की घोषणा से पहले फेम टू योजना लागू करने के ऐलान ने ऑटो उद्योग को बड़ी राहत दी है। देरी का मतलब होता कि नई सरकार के गठन के बाद ही इसे लागू किया जा सकता था। फेम वन योजना के तहत 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फेम टू योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फेम टू योजना के तहत 2019-20 में 1,500 करोड़, 2020-21 में 5,000 करोड़ और 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया काफी बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक वाहनों की इंडस्ट्री को इस योजना की बहुत जरूरत थी। जो कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट्स में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, उनके लिए यहाँ से स्काई इज द लिमिट है। बिकॉज अगले अगर बात करें गवर्नमेंट के 2030 के विजन की कि इंडिया में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लानी है और ऑलमोस्ट 35% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिकल पे मूव करनी है, उस कदम में गवर्नमेंट का ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इस स्टेप के बाद इंडिया में निवेश कर सकती हैं, अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में निवेश बढ़ा सकती हैं। इस योजना के तहत ई टू व्हीलर्स और कारों के अलावा भी कई और कैटेगरी के वाहनों को छूट मिलेगी। 20,000 हाइब्रिड वाहनों को 13,000 रुपए की छूट दी जाएगी। 5,00,000 ई रिक्शा को 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। 7,090 ई बसों में से हरेक को 50,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। जाहिर है इस तरह की छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और धूल धुएं शोर के प्रदूषण में भी कमी की तरफ मजबूत कदम उठाए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।